अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि किसी भी फील्ड में अकाउंटेंट की जॉब करना चाहते हैं, कैशियर की जॉब करना चाहते हैं, बैंक में, नादरा में या किसी भी जगह पे क्लैरिकल काम करना चाहते हैं। तो ये क्लास उनके लिए इतनी ज़्यादा मुफीद है कि वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। ये जो मैंने आप लोगों के सामने एक शीट क्रिएट की है, आप लोग भी ऐसे ही शीट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर डमी डाटा, मतलब अपने से कोई भी डाटा टाइप करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को डिस्कस करेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास ये एक एवरेज वाला जो कॉलम है, मैं अब इसके अंदर डिफरेंट बिहेवियर करना चाहता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने अपने सीनियर को इस शीट का जो है ना वो इसको एनालाइज करके इसका एनालिटिक्स देना है। तो अभी मेरे पास ये 15 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास ये 1500 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 5000 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, 50,000 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये एक शीट क्रिएट की है। कंडीशनल फॉर्मेटिक्स के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन के ऊपर स्टूडेंट्स आप लोग क्लिक करेंगे तो आपने जो भी वैल्यू टाइप कर देनी है उससे अबव जो चीज़ होगी वो आपको हाईलाइट करके दे देगा। लेट्स सपोज मैंने एक रिजल्ट कार्ड डिज़ाइन किया, मैंने देखना है कि मेरी शीट में कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि 33 से ऊपर हैं। तो जैसे स्टूडेंट ये देखे, मैंने 33 टाइप किया तो 33 से ऊपर जितने भी पर्सन थे वो सारे शो हो गए। ये शीट जब मैं अपने सीनियर को हैंड ओवर करूँगा तो वो फ़ौरन इसको देख लेगा कि कौन से तीन ऐसे पर्सन हैं जो कि पास हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को 35 कर देता हूँ तो ये पर्सन भी पास की लिस्ट में आ जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 42 कर देता हूँ, ये भी पास की लिस्ट में आ जाएगा। अगर इसको मैं 28 कर देता हूँ तो ये स्टूडेंट्स फेल की लिस्ट में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बैंक में बैठे हैं, आप लोगों ने देखना है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनके अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा पेमेंट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग 1 लाख टाइप करेंगे और यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि हम इस पर्सन की 2.5 लाख जो है वो पेमेंट कर देते हैं, तो ये पर्सन क्या हुआ, हाईलाइट हो गया। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने किसी फैक्ट्री के अंदर देखना है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनकी जो सैलरी है वो 25,000 से ज़्यादा है, तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए ऐसे पर्सन को फ़ौरन फाइंड कर सकते हैं जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। अगर आप लोग नादरा में बैठे हैं, वहाँ पर भी आपने किसी स्पेसिफिक वैल्यू के ऊपर चीज़ को फाइंड करना है तो आप लोग इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ स्टूडेंट्स नीचे आप लोग आ जाएं, इसी ऑप्शन के लेस देन के ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आप लोगों ने देखा था कि बच्चे पास कितने हैं, अब आप लोगों ने देखना है कि बच्चे फेल कितने हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग 33 ऐड करेंगे तो 33 से नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे शो हो गए। इसी तरह आप लोगों ने फैक्ट्री में देखना है कि कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि 25,000 से कम सैलरी ले रहे हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स 25,000 से कम हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है, कन्फर्म नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने तरीके से जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिस ऑफिस में आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो 25,000 से नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे शो हो गए। तो उसके बाद स्टूडेंट्स बिटवीन का ऑप्शन आ रहा है। बिटवीन क्या करता है कि आप लोगों ने दो वैल्यूज़ ऐड करनी है, उनके दरमियान में आप लोगों को जो भी वैल्यू चाहिए, लेट्स सपोज मैंने 19 और 29 के दरमियान में कोई चीज़ लेनी है। अब ये देखो स्टूडेंट कोई ऑप्शन शो नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं की थी। तो सिलेक्शन स्टूडेंट्स मस्ट है, क्योंकि आप लोगों ने जिसको भी सिलेक्ट करना है वर्किंग उसके ऊपर ही होनी है। मैंने बिटवीन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने 19 लिखा है और यहाँ पे मैंने 29 लिखा। तो ये देखें स्टूडेंट्स 19 और 29 के दरमियान में जितने भी पर्सन है वो शो हो गए। अगर मैं इसको भी 25 कर देता हूँ तो ये आपके पास चीज़ जो है ये 19 और 25 के दरमियान में आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स मैंने कंट्रोल जी करके बैक आ गया। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल का ऑप्शन आ रहा है, जो चीज़ आप लोगों ने ऐड करनी है उसके बराबर कोई चीज़ होगी तो वो फौरन से आपको शो हो जाएगी। लेट्स सपोज मैं 55 लिखता हूँ, 55 इसके अंदर नहीं है तो ये चीज़ शो नहीं हुई। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे आ रहा है टैक्स दैट कंटेन। टैक्स दैट कंटेन की जगह भी हम कोई भी अपना स्पेसिफिक वर्ड ले लेते हैं। बिट्स मैंने लिखा, मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सिलेक्शन की है उसमें बिट्स का ऑप्शन किधर आ रहा है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बिट्स लिखा तो बिट्स का जो वर्ड है वो फौरन हमारे पास सामने शो होके आ गया। तो उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स, ये नीचे डेट अकरिंग का। डेट अकरिंग ये होती है कि आपने जिस भी जगह पे डेट दी होगी वो डेट जो है वो मेंशन हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू बेसिकली ये करता है कि अगर आपकी शीट में एक चीज़ दो बार आ रही है, रिपीट हो रही है, उसको आप लोगों ने देखना हो
तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को देख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फर्स्ट वाला ऑप्शन था। उसके बाद हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत ही मज़ेदार ऑप्शन है सेकंड वाला ऑप्शन। ये देखें, ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इनके अंदर भी सब ऑप्शंस पड़े हुए हैं, तो इनको भी आप लोगों ने स्टूडेंट्स देखना है। तो ये टॉप 10 आइटम्स दे देखें, टॉप 10 आइटम में आपने आना है। अगर आप लोग किसी स्कूल में क्लरिकल जॉब के ऊपर हैं, आपने 200 स्टूडेंट्स का एक रिजल्ट टेस्ट लिया है, आपने उनमें से टॉप 3 को पोजीशन देनी है, तो आप लोग यहाँ पे टॉप 10 के बजाय टॉप 3 करें। तो ये देखें, जो टॉप 3 पर्सन है आपकी शीट में वो शो हो गए। अगर मैं इसको 55 कर देता हूँ तो ये टॉप 3 की लिस्ट में आ जाएगा, वो टॉप 3 की लिस्ट से निकल जाएगा। इसी तरह आप फैक्ट्री में आपने देखना है कि टॉप 3 पर्सन कौन से हैं जो कि मिल में सबसे अच्छे जा रहे हैं, तो आप ऐसे टॉप 3 को ढूंढ सकते हैं। आपने बैंक में टॉप 3 पर्सन को ढूंढना है, उनको कैश या कोई प्राइज़ देना है कि वो आपके बैंक अकाउंट को ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं, तो आप लोग इस ऑप्शन की मदद से उन ऑप्शंस को, उन तीनों जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। इसी के नीचे टॉप 10 की परसेंटेज और बॉटम 10 की परसेंटेज, अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, ये आप लोग जब हम एवरेज के फार्मूला नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं तो उसके अंदर देखेंगे। अभी मैंने अगर आपको करवा भी दिया तो आपको इसकी चीज़ की समझ नहीं आनी। तो ये देखें, बॉटम 10 आइटम्स क्या करते हैं, नीचे से आपने अगर तीन वैल्यूज़ को देखना हो तो ये देखें, आप लोगों ने नीचे से जो तीन बुरे लोग हैं, आप बुरे लोग का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अपनी फैक्ट्री में देखना है कि कौन से तीन ऐसे लोग हैं जिनके सबसे कम मतलब जो है ना वो पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे पर्सन हैं जो कि हमारी कंपनी में कम स्टार्स ले रहे हैं, कौन से ऐसे बैंक में कम लोग हैं 10 15 20 जिनके अकाउंट में सबसे कम पेमेंट पड़ी हुई है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी अटेंडेंस नादरा में सबसे कम है, तो आप लोग इस चीज़ को यूज़ करते हुए अपना कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बहुत ही दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे। उसके बाद स्टूडेंट ये डाटा बार का ऑप्शन है, ये भी बहुत मज़ेदार है। ये बेसिकली एक्सेल ने इन चीज़ों को एक कलर अप्लाई कर दिया, कलर अप्लाई उसने किसी मकसद के लिए किया, जो चीज़ जितनी ज़्यादा है वो उसको उतना ज़्यादा फिल कर रहा है, जो चीज़ जितनी कम है उसको उतना कम फिल कर रहा है। यहाँ पर मैं 46 कर देता हूँ, ये देखो उसने उसको कम्प्लीट फिल कर दिया, बाकी चीज़ों को जो है वो कम फिल कर रहा है। तो इसको भी आप लोग किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए देख सकते हैं। अगर आपने कोई चीज़ फार्मूले की बुनियाद पे नहीं देखनी, आपने उसको आंखों की मदद से उसका नज़ारा लेना है कि ये चीज़ टॉप पे है, ये चीज़ बॉटम पे है, तो आप लोग उसके फिलिंग कलर को यूज़ करते हुए देखते हुए अपना जो है वो एक रिज़ल्ट जो है उसको देख सकते हैं। ये भी आपके पास स्टूडेंट्स कलर हैं, ये भी आपके पास डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, इनको आप लोग अप्लाई करके देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये हमारे पास आइकन सेट्स आ रहे हैं। आइकन सेट्स का क्या मतलब है कि ये भी बेसिकली कलर्स की तरह बिहेवियर करते हैं, लेकिन इसके अंदर डिफरेंट तरह के कुछ ऑप्शंस एक्सेल ने बहुत मज़ेदार प्रोवाइड कर दिए हैं। जो चीज़ जितनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा सिग्नल दे रहा है, जो चीज़ जितनी कम है उसको कम सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोग इसके डिफरेंट तरह के आइकन ले सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ये वाली चीज़ है वो जो चीज़ जितनी ज़्यादा है उसको मतलब ज़्यादा जो है वो टिक का ऑप्शन दे रहा है, जो चीज़ इंटरमीडिएट है उसको एक्सक्लेमेशन का मार्क दे रहा है, और जो चीज़ बुरी है उसको क्रॉस का सैम्बल दे रहा है। अगर हम इसको 33 कर देते हैं तो ये देखें, ये भी टिक का जो ऑप्शन है उसके अंदर आके अपनी सारी चीज़ को क्लियर कर लेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन था, इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है। उसके बाद स्टूडेंट ये फॉर्मेट एज टेबल, ये चीज़ भी मैं क्लियर करता जाऊँ, ये बहुत ही आसान चीज़ है। आप लोग ये फॉर्मेट एज टेबल जो भी आप लोगों ने शीट बनाई है, आप लोगों ने सिंगल क्लिक से उसको कोई भी कलर्स अप्लाई करने हैं, तो यहाँ से आप उसको कोई भी कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, आपकी ओवरऑल शीट जो है उसकी लुकिंग जो है वो चेंज आउट हो गया। डिज़ाइन के टाइम में जाके आप इसके डिफरेंट तरह के कलर्स को चेंज आउट कर सकते हैं, रो को डिलीट करना, कॉलम को डिलीट करना, ये हम चीज़ें होम के टैब से देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के जो भी कलर चेंज आउट स्टूडेंट्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कंट्रोल जी करके बैक कर रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट ये सेल स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। सेल स्टाइल क्या करता है, ये देखें, ये हमारे पास फर्स्ट वाला स्टूडेंट है, इसका जो नंबर है वो 20 है, इसके बाद इसके 21 है। मैं चाहता हूँ कि जैसे जैसे इसके नंबर ज़्यादा होते जाएँ, जैसे वैसे वैसे ये ज़्यादा हाईलाइट होता जाए। तो ये ऑप्शन सेल स्टाइल के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ, ये देखें, जो चीज़ जितनी ज़्यादा है उसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है, जो चीज़ जितनी कम है उसको उतना कम फिल कर सकता कर रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी भी चीज़ को हाईलाइट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह के कलर्स हैं, ये आपके पास ऑप्शंस हैं,
इनको आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये देखो उसने 20% है उसको काम फिली किया, 40% है, 60% है, एसेट वन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लोग अपने तरीके से इन चीज़ों को यूज़ आउट कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। बाकी मेन जो चीज़ है वो आप लोगों को एक्सेल में शीट बनाना आना चाहिए, आपको शीट को सेव करवाना और सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें स्टूडेंट्स सेल्स वाली हैं ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तब तक आप लोग इन तमाम ऑप्शन की जो है वो प्रैक्टिस कर लें। अगर किसी भी ऑप्शन की समझ नहीं है तो आप लोग उसके बारे में हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मोबाइल के ऊपर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बीट्स कंप्यूटर कॉलेज ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, उसके प्लेटफॉर्म से आप हमसे कॉन्टैक्ट करके किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।